तो फाइनली रश्मि देसाई ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी सिद्धार्थ शुक्ला को लेके। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद किस तरीके की मीटिंग करना चाहती हैं रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड रश्मि देसाई ने तो फाइनली अपनी चुप्पी जो है तोड़ दी है सिद्धार्थ शुक्ला को लेके। इतने दिनों से सिद्धार्थ शुक्ला को लेके उनसे कुछ भी सवाल पूछा जाता था तो उसका जवाब देने के लिए रश्मि देसाई मना कर देती थी। वेल फाइनली रश्मि देसाई का एक रिएक्शन आया है सिद्धार्थ शुक्ला को लेके। एक वेब पोर्टल को इंटरव्यू देते दौरान रश्मि देसाई से पूछा गया कि आप सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आगे काम करना चाहेंगी। वेल इस पर रश्मि देसाई ने कहा है कि अगर फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम दोनों को मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। वेल इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि रश्मि देसाई क्या आप एकता कपूर के किसी बड़े प्रोजेक्ट में नज़र आऊँगी। वेल रश्मि देसाई ने इस पर कहा है वेल मैं नज़र तो आने वाली हूँ लेकिन कौन से प्रोजेक्ट में आऊँगी इसका खुलासा रश्मि ने नहीं किया है। कहा है कि आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि लॉकडाउन के बाद क्या आप सिद्धार्थ शुक्ला से मिलना पसंद करेंगी या फिर नहीं। पहले तो रश्मि देसाई ये क्वेश्चन सुन के शॉक्ड हो गई। फिर उसके बाद रश्मि ने कहा कि जी हाँ मैं ज़रूर मिलूंगी, अगर कुछ काम रहेगा उनसे तो मैं उनसे ज़रूर मिलना पसंद करूंगी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिग बॉस सीजन 13 में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वेल रश्मि देसाई ने यहाँ पर इस चीज़ का खुलासा तो कर ही दिया है कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद वो सिद्धार्थ शुक्ला से मिलना पसंद करेंगी, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 में इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी लेकिन एंड में इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी देखने को हमें मिली थी। वेल ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रश्मि और सिद्धार्थ कौन से प्रोजेक्ट में नज़र आते हैं, ये सिद्धरा की जोड़ी जो है कब हमें देखने को मिलेगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये सिद्धरा की जोड़ी हमें कब देखने को मिलेगी और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को फिर से एक साथ देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से कर दीजिए ताकि जितनी भी चटपटी गॉसिप्स है या फिर लेटेस्ट अपडेट है मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।